उत्तर पूर्वी दिल्ली से हमारी कांग्रेस पार्टी के नौजवान उम्मीदवार हैं कन्हैया कुमार जी, और आज हमने उनके समर्थन में योगेंद्र यादव जी हम सब ने मिलकर एक पार्टी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग करी है। अब समय कम रहा है, लेकिन आज जो उत्साह लिखा मुझे हमारे पदाधिकारियों के अंदर, कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स के अंदर, वो बड़ा संतोषजनक है। अगले 9-10 दिन तक लगातार हमारी पार्टी के लोग मेहनत कर रहे हैं, और मुझे कहने में कुछ संकोच नहीं है कि इस सीट पर, इसके अलावा बाकी जो 6 सीटें हैं, लगातार हमारे उम्मीदवार गठबंधन के आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भारी बहुमत के साथ कन्हैया जी चुनाव जीतेंगे। ऐसा मैं मानता हूँ कि प्रत्येक नौजवान, हर वर्ग, हर मजहब के लोग आज कांग्रेस की ओर देख रहे हैं, और पार्टी ने बड़ा सोच समझ कर इनको उम्मीदवार बनाया है। उसका लाभ हमारी पार्टी को मिलेगा, गठबंधन को मिलेगा, और जो देश में परिवर्तन की धीमी धीमी हवा चल रही है वो गति पकड़ती जा रही है। 4 चरणों के बाद भाजपा दावे कुछ भी करे, लेकिन इंडिया और कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। भाजपा पिछड़ रही है, इसीलिए उनके वक्तव्य जो हैं अब अलग अलग तरह के आ रहे हैं। पहले 300-400 के पार की बात करते थे, अब वो कांग्रेस को, कांग्रेस के इतिहास को, हमारे मैनिफेस्टो को बार बार टारगेट कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ घबराहट का एहसास उनके जहन में है, लेकिन जनता हमारे साथ है और बहुमत के साथ हम लोग यहाँ चुनाव जीतेंगे। हमारे पास ना तो कमी है नीतियों की, ना कमी नेताओं की है, लेकिन हम लोग पद के लोभी नहीं है। आज से हम लोग पद की चर्चा करें वो सही नहीं है, ये संसदीय प्रणाली है। बहुमत मिलने के बाद एक दिन के अंदर हम लोग तय करेंगे कौन नेतृत्व करेगा, किसको क्या जिम्मेदारी देनी है, लेकिन ये यहाँ पर 10 साल सरकार में रहने के बाद, अब बात कर रहे हैं 2047 की बात कर रहे हैं, 5 साल और मांग रहे हैं, और जो नौजवान फौज में भर्ती होना चाहता है उसको 4 साल दे रहे हैं अग्निवीर बनाकर, ये कहाँ का न्यायपूर्ण कार्रवाई है। और मुझे लगता है हर मुद्दे पर किसान, नौजवान, मध्यम वर्ग, महिला, हर व्यक्ति को, हर वर्ग को हमारी पार्टी मैनिफेस्टो में ध्यान कर कर हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी आज सिर्फ इंदिरा जी, नेहरू जी, कांग्रेस सरकार, मनमोहन सिंह जी को कोसने का काम कर रहे हैं, एक सकारात्मक पॉजिटिव अप्रोच लेकर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। मैं मानता हूं कि बदलाव होगा, और दिल्ली के अंदर जहां आज हम खड़े हैं, यहां पर कन्हैया जी भारी बहुमत के साथ जीतकर दिल्ली की संसद में जाएंगे। जहां जहां पार्टी हमें जिम्मेदारी दे रही है, मैं जाके पार्टी के लिए कैंपेन कर रहा हूं, और जिस राज्य में जा रहा हूं, चाहे वो केरल हो, आंध्रा हो, हरियाणा हो, पंजाब, उत्तराखंड, जहां पर भी हम लोग गए हैं, वहां पे हमें कांग्रेस के प्रति लोगों का झुकाव बढ़ रहा है। दुनिया बदलाव चाह रही है, 10 साल का लंबा समय हो जाने के बावजूद भी मुझे लगता नहीं कि आज जनता के मन में वो भावना है जो पहले थी। भाजपा के प्रति उम्मीदें टूट गई हैं, लोग निराश हो गए हैं, नौजवान उदासीन है, एक फार्मर्स डिस्ट्रेस चल रहा है, महंगाई आसमान छू रही है, लोग बदलाव चाह रहे हैं, और कांग्रेस वो दल है जो देश भर में एक वैकल्पिक व्यवस्था को अंजाम दे सकता है। इसलिए मैं बड़ी विनम्रता से कह रहा हूँ कि हमारा संख्या बल बढ़ेगा और 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी।